सदा सिंधु जी छोली Siet Sajjad Murtaza, Pakistan Gold Medal. Siet Sajjad Murtaza, Pakistan Gold Medal. Adam Navid, Pakistan Gold Medal. And Adam Navid, Pakistan Gold Medal. And the leadership of Principal Saab, unko mubarakbad deta hun ki unhone apne bachchon ko taiyar kiya नेशनल इवेंट्स थे उसमें उनकी सक्सेस का बायस बने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसामा खान ऑफिशियल में आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा हैदर। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल इंटर साइंस कॉलेज में मौजूद हैं, जहां के होनहार बच्चों ने मुसलसल तीसरी दफ़ा आलमी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। सियाने कहते हैं कि काबिलियत और हुनर किसी इलाके, जुग्राफिया या किसी शख्स का मलकियत नहीं होता, ये जहाँ भी हो अपने आप को लाजमी ज़ाहिर करता है। और बिलाशुबा DPS के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी काबिलियत का ऑनलाइन वो लोहा मनवाया कि सारी दुनिया इस वक्त अंगुश बदंदा है कि किस तरह ये नन्हे मुन्ने बच्चे कम सहूलियात के बावजूद लेकिन एक ईमानदार, वफादार और मुखलिस लीडरशिप की वजह से इस मकाम पर पहुँचे। लीडरशिप से मुराद मेरी मुराद नवीद अंजुम साहब हैं कि जिनसे पहले DPS को एक मुर्दा घोड़ा करार दे दिया गया था, लेकिन उनकी मुसलसल मेहनत की वजह से ये मुर्दा घोड़ा इस वक्त रेस में पहली पोजीशन पर आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है नवीद अंजुम साहब, उनसे हम जानेंगे कि आलमी सतह पर साइंस सिंपोजियम मुनक्किद किया गया, छोटे छोटे बच्चे सहूलियात का फुकदान, सर कैसे ट्रेंड किया और कैसे पोजीशन आ गई, ज़रा फिर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच उसामा हैदर फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। देखें कि डिजिटल एरा है इस वक्त और सहूलियात का फुकदान भी है, बिल्कुल आपने ठीक जो है वो फरमाया है। ख़ास तौर पे अगर मैं बखर का नाम लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इस COVID-19 के दौरान बेशतर स्कूल्स ने जो है वो ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोवाइड की अपने बच्चों को, लेकिन DPS एक वाहिद अदारा था जो थ्रू जूम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाता रहा अपने बच्चों के लिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए, उसके बाद हमने जो है थ्रू जूम हमने क्लासेस का आगाज़ किया। तो बच्चे जो हैं वो यूज्ड टू हो चुके थे जूम क्लासेस लेने में, और ये मुझे मौका मिला जब मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि एक कंपटीशन स्टार्ट हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम के। तो मैंने इस चीज़ का से फ़ायदा उठाते हुए मैंने अप्रोच किया ग्लोबल ट्रेनर एकेडमी को, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। मोर देन 170 कंट्रीज़ आर द पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल ट्रेनर एकेडमी, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड एजुकेशन लीडर्स दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम है इसमें 35 कंट्रीज़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। उसमें जो है वो तीन कैटेगरीज रखी गई जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी में क्योंकि बेशतर स्कूल्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्टेम एंड कोडिंग एंड रोबोटिक्स, तो उसमें तो हम कोई खातर खा हिस्सा नहीं ले सके इस कैटेगरी में, लेकिन हमने साइंस कैटेगरी और इनोवेशन कैटेगरी में भरपूर हमने जो है वो पार्टिसिपेट किया। हमारा फोकस रहेगा कि हम जो है स्टेम की तरफ भी जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो पार्टिसिपेट करें। हमारे बच्चों ने जो है बेहतरीन परफॉर्म किया, हम 23 वर्ल्ड वाइड जो है वो मेडल्स लेकर आए हैं इस DPS अदारे के लिए। वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्राम था उसमें 23 मेडल्स में जो है वो 15 गोल्ड मेडल थे,
8 सिल्वर मेडल थी और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। और ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान की तारीख हमने रकम की बल्कि दुनिया में एक तारीख रकम की कि ये दुनिया का वाहिद तलीमी अदारा है जिसने एक इंटरनेशनल सबसे बड़े इंटरनेशनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा यानी 23 गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल्स विन करके एक आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। आलमी रिकॉर्ड जो है वो DPS ने कायम किया। और इस वक्त हमारे साथ वो होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं सजाद मुर्ज़ा जो कि 4th क्लास के स्टूडेंट हैं लेकिन पूरी दुनिया में इनकी पहली पोजीशन है। सजाद सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैसे मुकाबला जीता और आपका प्रोजेक्ट क्या था? मेरा प्रोजेक्ट था एक हैंड सैनिटाइज़र मशीन और मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिए और बहुत भरपूर जवाब दिए इसलिए उन्होंने मेरा मुझे पसंद करके और मेरे फुल मार्क्स दिए। अच्छा, तो क्रेडिट किसको देते हैं इस कामयाबी का और फीलिंग्स क्या थी जब आपको पता चला कि आपने पहली पोजीशन ले ली है? मैं क्रेडिट देता हूँ सबसे पहले मेरे प्रिंसिपल का और प्रिंसिपल को और मेरी मदर को जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इसमें बनाने। बहुत शुक्रिया सजाद, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। इस वक्त आदम नवीद हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 2nd पोजीशन है। आदम, क्या प्रोजेक्ट था और जब पोजीशन आई तो क्या फीलिंग्स थी और कैसा लगा पेरेंट्स को जब आपने जो है नन्ही मुन्नी सी उम्र में ये इतना बड़ा गोल अचीव किया? मेरा प्रोजेक्ट वाटर डिस्पेंसर था। इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स, प्रिंसिपल साहब और टीचर का है। सबसे पहले मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। फिर GTA में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पर उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। बहुत शुक्रिया। नन्ही मुन्नी बच्ची हानिया असलम भी हमारे साथ है जिनकी 2nd पोजीशन है। हानिया, पहले तो ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। अच्छा, तो आपका प्रोजेक्ट क्या था और पोजीशन जब आई तो फिर कैसा लगा आपको? मेरा प्रोजेक्ट था पार्ट्स ऑफ प्लांट और मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मदर थी, उनने कहा था बहुत अच्छा किया और मैं डॉक्टर नवीद अंजुम का शुक्रिया अदा कर। एक और हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट नन्हे मुन्ने से बच्चे मौजूद हैं शामिर मलिक। शामिर, पहले तो ये बताइएगा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5D में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपका प्रोजेक्ट क्या था और जब पोजीशन आई तो फिर कैसा लगा आपको? मेरा प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम के ऊपर था और जब पोजीशन आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कि आगे किस तरह मेहनत कर रहे हैं या कोई और भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप? अगले साल अगर इंशाल्लाह हुआ तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। नाज़रीन, ये नौजवान जो हमारे से छोटा सा बच्चा खड़ा है इसके मतलब एक और बात भी बताते चलें कि जब इसकी पोजीशन का अनाउंस हुआ तो वो कुछ वजहों से डिले हो गई और इसने इतने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया कि इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म था वहाँ लाउडली कहा कि वेयर इज़ माई नेम एंड वेयर इज़ माई पोजीशन। तो ऐसे से बच्चे ही बिलाशुबा यकीनन जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो कि आगे बढ़कर इन मुल्क की बागडोर संभालेंगे। और शायद शायर ने इन्हीं बच्चों के लिए कहा था कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है साकी। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे इसी तरह मेहनत और लगन के साथ जो है काम करते रहेंगे और आने वाले दिनों में मुल्क पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करेंगे और इस बात को ज़रूर गलत साबित करेंगे कि बखर किसी तौर पे भी लाहौर, इस्लामाबाद या कराची जैसे इलाकों से पीछे नहीं है। यहाँ पर अगर नवीद अंजुम जैसी शख्सियात इन इदारों को चलाने के लिए मौजूद रहें तो बिलाशुबा बखर दुनिया में अपना नाम इसी तरह मनाता रहेगा। इजाज़त दीजिए मोहम्मद उसामा हैदर को, एंड पर रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। देखते रहिए आपकी आवाज़ क्योंकि हम हैं आपकी।